जिला हमीरपुर कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त हमीरपुर से मिला। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। कर्मचारी संघ ने अपनी 9 सूत्रीय डिमांड चार्टर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। इस अवसर पर दर्जनों कर्मचारी संघ के सदस्य मौजूद रहे। मुख्य मांगे रिटायरमेंट आयु 58 से 60 साल करना, इनकम टैक्स 5 लाख तक किया जाए, वृद्ध पेंशन स्कीम को लागू किया जाए आदि रखी गई। वहीं संघ के सदस्य ने बताया कि आज उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें 9 सूत्रीय डिमांड चार्टर को उनके समक्ष रखा गया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि जल्द ही मुख्यमंत्री JCC की बैठक बुलाए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। संघ जिला हमीरपुर का प्रतिनिधि मंडल आज माननीय DC साहब के साथ मिला और उन्हें जो है उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के कॉल के ऊपर एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया, जिसमें 9 सूत्रीय जो है वो डिमांड चार्टर जो है वो सबमिट किया गया, जिसमें पहली डिमांड है हमारी कि जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसे 5 लाख रुपए तक जो है किया जाए, रिटायरमेंट एज को पूरे इंडिया में 58 साल से 60 साल किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल या PP मोड या किसी भी उस पर जो आउटसोर्स जो है इसको ख़त्म करके जो है रेगुलर सर्विस को किया जाए, उसके अलावा 4/9/14 का बेनिफिट जो है वो सबको दिया जाए और पे में जो अनोमलीज हैं उनको दूर किया जाए। इसी तरह की जो 9 डिमांडें हैं वो हमने और JCC की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कर्मचारी महासंघ के साथ अराजपत्र कर्मचारी महासंघ के साथ JCC की मीटिंग जो है वो जल्द से जल्द बुलाई जाए। राज्य कर्मचारी महासंघ का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी कॉल के ऊपर किया गया है, आगे जो भी होगा जो वो आदेश देंगे उसके अनुसार जो है वो इसके ऊपर एक्शन किया जाए।